नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब बात हो पैसा, पावर और रुतबे की, तो सबसे पहली जॉब आती है आईएएस, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप आईएएस कैसे बन सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर आईएएस के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, और इसके साथ साथ यदि आपको जॉब मिल गई तो आपकी सैलरी क्या होगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैकेनिकल इंजीनियर आईएएस बनने के लिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यदि आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर क्वालिफिकेशन है तो आप आईएएस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि क्या मैकेनिकल इंजीनियर डिप्लोमा स्टूडेंट आईएएस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो डिप्लोमा स्टूडेंट आईएएस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आईएएस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन के बाद यदि हम एज लिमिट की बात करें तो जर्नल के लिए मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 32 ईयर, ओबीसी के लिए मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 35 ईयर, और इसके साथ एसटीएससी के लिए मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 37 ईयर, और यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में आते हैं तो आपको 10 ईयर की छूट दी जाएगी। एज लिमिट के बाद यदि अटेम्प्ट की बात करें, यानी कि कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट कितनी बार आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं, तो सबसे पहले यदि हम जर्नल की बात करें तो जर्नल कैंडिडेट 6 टाइम आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं, और ओबीसी कैंडिडेट 9 टाइम आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं, और एसटीएससी के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, आप 37 ईयर तक जितनी बार चाहें उतनी बार आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं। अटेम्प्ट के बाद एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा, प्री के बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, और मेंस के बाद इंटरव्यू होगा। यदि आप इन तीनों एग्जाम में पास हो जाते हो तो आपको आईएएस की जॉब मिल जाती है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए मैकेनिकल इंजीनियर्स का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले यदि हम प्री एग्जाम की बात करें तो प्री एग्जाम में आपके टोटल 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर की बात करें तो जर्नल स्टडी का होता है, 200 नंबर का होता है और 2 आवर का होता है, और इसके साथ साथ 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। और यदि हम लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर उपलब्ध होता है। आप अपनी इच्छा अनुसार दोनों लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो। प्री एग्जाम में सेकेंड पेपर की बात करें तो सी सेट का होता है, 200 नंबर का होता है, 2 आवर का होता है, और इसके साथ साथ 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी इंग्लिश में पेपर उपलब्ध होता है। सो यदि आप प्री एग्जाम के ये दोनों पेपर पास कर जाते हो तो आपको मेंस एग्जाम देने का मौका मिलता है। यदि आप प्री एग्जाम के ये दोनों पेपर पास नहीं करते हो तो आपको मेंस देने का मौका नहीं मिलेगा। यदि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो भाई साहब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन जरूर से जरूर उठ रहा होगा कि क्या प्री एग्जाम में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्री एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो प्री एग्जाम में मैकेनिकल इंजीनियर का कोई भी पेपर नहीं होता, बट मेंस एग्जाम में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 2 पेपर होते हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि मेंस एग्जाम में कुल कितने पेपर होते हैं और उसका सिलेबस क्या है। मेंस एग्जाम में फर्स्ट पेपर की बात करें तो एसे होता है, यानी कि निबंध होता है, जो कि 250 नंबर का होता है, और आपको टोटल 2 निबंध लिखने होते हैं, यानी कि 2 एसे आपको लिखने होते हैं। मेंस एग्जाम में सेकंड पेपर की बात करें तो जर्नल स्टडी फर्स्ट, जो कि 250 नंबर का होता है, जिसमें आपसे इंडियन कल्चर और हिस्ट्री जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस एग्जाम में थर्ड पेपर की बात करें तो जर्नल स्टडी सेकंड, जो कि 250 नंबर का होता है, जिसमें आपसे कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस एग्जाम फोर्थ नंबर पेपर की बात करें तो जर्नल स्टडी थर्ड, जो कि 250 नंबर का होता है, जिसमें आपसे टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस एग्जाम 5 नंबर पेपर की बात करें तो जर्नल स्टडी फोर्थ, जिसमें आपसे 250 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सिलेबस की बात करें तो इथिक्स और एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस एग्जाम 6 नंबर पेपर की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट, जो कि 250 नंबर का होता है, जिसमें आपसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस एग्जाम 7th नंबर पेपर की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकंड, जो कि 250 नंबर का होता है, जिसमें आपसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और यहां पर एक पॉइंट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है कि मेंस एग्जाम में टोटल 9 पेपर होते हैं और 9 पेपर में एक सब्जेक्ट आप अपनी चॉइस अनुसार सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि आप जिस ब्रांच से हो, जिस डिपार्टमेंट से हो, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो और उस सब्जेक्ट का टोटल 2 पेपर होगा। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फर्स्ट पेपर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सेकंड पेपर। मेंस एग्जाम 8 नंबर पेपर की बात करें तो इंडिया में जितनी भी लैंग्वेज बोली जाती हैं उन सभी लैंग्वेज में आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। और मेंस एग्जाम लास्ट और 9th नंबर पेपर की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड एक पेपर होता है जिसमें इंग्लिश से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मेंस एग्जाम में यदि 9th पेपर आपके क्लियर हो जाते हैं तो आपका मेंस एग्जाम क्लियर हो जाता है और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू 275 नंबर का होता है और यदि आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया तो आपको आईएएस की जॉब मिल जाएगी। आईएएस की जॉब मिलने के बाद यदि हम सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 80,000 होगी और इसके साथ साथ आपको ढेर सारी राजसी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सो उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप आईएएस कैसे बन सकते हो। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आईएएस का जो सिलेबस है, फुल सिलेबस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का, अपने दादी दादा का, अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।